गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट, मैं इंजीनियर आकृति, ट्वेल्थ मैथ्स का सेट ए का सब्जेक्टिव सॉल्यूशन कर रही हूं। आप बच्चे 1 to 10 ऑलरेडी मिला चुके हैं, अब बारी है 11 to 20 की। मैं आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए 4 से 5 मिनट में कंप्लीट सॉल्यूशन कर दूंगी। तो चलिए चलते हम लोग अपने स्क्रीन पे। ये रहा हमारा सेट ए का पेपर और क्वेश्चन नंबर 11 सब्जेक्टिव पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए, ये है हमारा सिंपली डिफरेंशिएशन करने को कहा जा रहा है। यहां क्वेश्चन कह रहा है, इफ दिस इक्वल टू दिस वन देन फाइंड dy बाई dx। सिंपली डिफरेंशिएट करना है, हम लोग यहां पर क्या करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएट करना है। मैंने लिख दिया डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव y डैश। इसमें मैंने प्रोडक्ट रूल लगा लिया, पहला कॉपी दूसरा डिफरेंशिएट, दूसरा कॉपी पहला डिफरेंशिएट। y डैश इसमें है, y डैश इसमें है, इसलिए मैंने दोनों y डैश को एक तरफ कर लिया और हमारा dy बाई dx आ चुका है। शिफ्टिंग टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 डिफरेंशियल इक्वेशन का है। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका पैटर्न होता है dy by dx plus py equal to q। p मतलब y का कोएफिशिएंट, y के आगे क्या है, y के आगे 2 अपॉन x है, y के आगे 2 अपॉन x है, y के आगे 2 अपॉन x है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैंने कंपेयर कर लिया, p के जगह 2 अपॉन x लिख दिया, q की वैल्यू ये रही। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला और हमारा ये 2 ऊपर हो गया और आंसर x स्क्वायर आ गया। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू रख दी और यहां हमारा इंटीग्रेट कर दिया, फाइनल आंसर आ गया। 13 नंबर क्वेश्चन की बात कर लूं, ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, दोनों तरफ मुझे लॉग लेना होगा। लॉग की प्रॉपर्टी कहती है लॉग m की पावर n, लॉग m की पावर n हो जाएगा n लॉग m। ये आगे आ गया, cos x आगे आ गया, डिफरेंशिएट कर दिया मैंने, यहां भी डिफरेंशिएट कर दिया मैंने। अरेंज हम चाहें तो यहां भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में यहां आंसर नहीं छोड़ा हुआ है। आंसर सेपरेट करके एक कॉस एक साइन मिलके कॉट और एक कॉस बच गया, ये आंसर तक आया हुआ है। अगर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो बहुत आसान है, ये पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन है। x की वैल्यू दिस वन, y की वैल्यू दिस वन, पहले y को डिफरेंशिएट करके dy by d थीटा निकाल दिया और ये हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया। x को डिफरेंशिएट कर दिया, साइन थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन कहता है dy by dx बराबर dy by d थीटा, d थीटा d थीटा कट गया, dy by dx। dy by d थीटा की वैल्यू यहां से हमने पुट कर दी, dx by d थीटा की वैल्यू हमने यहां से पुट कर दी। 2a कैंसल्ड आउट, कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा बाई 2 हमारा आंसर आ चुका। क्वेश्चन नंबर 15, लीनियर प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्टिव जो मैंने डिटेल्ड डिस्कस किया है, डिटेल में मैंने ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया। जो बच्चे हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं देखे, सेट जी में डिटेल डिस्कशन किया है, यहां ये तो लास्ट में यूज होगा। ये इन दोनों का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसके लिए मैंने यहां टेबल बना लिया, 0.8 और 16.0 प्लॉट कर दिया। अब मिनिमम या मैक्सिमम के लिए क्या पूछा है, मैक्सिमाइज पूछा है। इसका सॉल्यूशन का 3 कॉर्नर पॉइंट है, इन तीनों को मैंने डाल दिया है कॉर्नर पॉइंट में। मैक्सिमम 56 है, ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना था, 2 मार्क्स आपका डन हो जाता। वैल्यू निकालना है,
प्रॉपर्टी लिखा हुआ नहीं है, यूजिंग प्रॉपर्टी, इसलिए मैंने सिंपली आर वन के अलोंग एक्सपेंड कर दिया है, वन आंसर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन, ए बी का प्रोडक्ट पूछा है, ए इंटू बी, ये तीन रो तीन कॉलम, ये तीन रो दो कॉलम, ये दोनों कैंसल्ड आउट, फाइनल आंसर आ गया तीन रो दो कॉलम और प्रोडक्ट हमने कर दिया। कह रहा प्रूव दैट दीज थ्री आर वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये ए दिया हुआ है, यहां से लिख दिया, यहां से मैंने बी लिख दिया, यहां से मैंने सी लिख दिया, तीनों ये ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ऑल साइड इक्वल, ए बी निकाल लिया फाइनल माइनस इनिशियल करके, बी सी निकाल दिया फाइनल माइनस इनिशियल से, और ए सी निकाल दिया फाइनल माइनस इनिशियल से। तीनों का मैंने मैग्नीट्यूड निकाल दिया, तीनों सेम आ गया, तीनों साइड इक्वल आ गया, मतलब ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ए क्रॉस बी का मॉड, ए क्रॉस बी पहले निकाल लिया, पहले मैंने ए क्रॉस बी निकाल लिया डिटर्मिनेंट मेथड से, फिर मॉड निकालना है, इसका स्क्वायर कर दिया। यहां ए बी एंड सी दिया हुआ है, ये निकालना है, पहले ए से टू को इंटू कर दिया, ये रहा टू से ए को इंटू, माइनस थ्री से बी को इंटू कर दिया, प्लस फोर से सी को इंटू कर दिया, और सिंप्लीफाई करती चली गई। ऐसा आने के बाद मैग्नीट्यूड निकालना था, मैंने जल्दी जल्दी में किया है, इसलिए ये सारे वीडियोस मैंने कल ही बना लिए थे, अपलोड आज कर रही हूं, कल मैं एग्जॉस्ट हो गई थी, जल्दी जल्दी में बनाया, मोस्ट प्रोबेबली सही ही होगा, कैलकुलेशन आप खुद देख लेंगे। और हमने टोटल 20 तक इस वीडियो में कर लिया है, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट 21 से 30 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप कमेंट करके बताइएगा आपका कितना सही हुआ, इस 10 में से कौन से क्वेश्चन आपने बनाए हैं। अगर आप इंजॉय कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो बच्चे आप जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।